हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो गाइस, वी आर इन रिवीजन सीरीज ऑफ सी एम एन एफ एस एम फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। सो गाइस, एज यू ऑल नो कि पहली रिवीजन क्लास मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं फॉर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखी है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप प्लीज उसको जरूर 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 वॉच करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। अब आज हम लोग सेकेंड रिवीजन क्लास में हैं, और जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लीज ऑन द टॉप लिखेंगे जरा, हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इसकी वेटेज मिनिमम 5 मार्क्स रहेगी बेटा, कम से कम 5 नंबर का ये चैप्टर रहेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी एग्जीक्यूटिव में ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स जिनका कॉस्टिंग का पेपर अभी भी नहीं निकला, उन्हें भी ये क्लास देखनी चाहिए, आपका भी बहुत बेनिफिट होगा आफ्टर दिस क्लास। क्लियर है? ठीक है सर। तो ये क्लास अब कौन देख सकता है? सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टूडेंट डेफिनेटली, उनके लिए तो मैं बना ही रहा हूं, बट एट द सेम टाइम जितने भी सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। क्लियर है जी? ठीक है। एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग क्लास मैंने कहा मुझे एक कमिटमेंट चाहिए कि जो क्लास मैं आपको दूं वो आप उसी दिन पूरी की पूरी क्लास भी वॉच करेंगे, एंड एट द सेम टाइम अपनी तरफ से भी वो चैप्टर को आपको वाइंड अप करना होगा। क्लियर है? तभी हमारी बेनिफिट होंगे इन रिविजन क्लासेस का। अदरवाइज प्रैक्टिकल पेपर में जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको सिर्फ क्लास लेने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले लिखेंगे जरा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली है क्या, ये हमें समझना है। ठीक है, लिखो जरा, इट इज अ टेक्निक। ये एक टेक्निक है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है। ठीक है जी, इन विच वी लर्न, हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। प्लीज ध्यान से देखेंगे जरा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को तो इस चैप्टर का मीनिंग ही नहीं मालूम कि ये चैप्टर हमें पढ़ाया क्यों जाता है, और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जब हमें किसी चीज का मीनिंग ही नहीं मालूम तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा कम रह जाता है। तो हम लोग 1 या 2 मिनट लगाएंगे टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, एंड देन हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, तो आपने 1 लाइन में क्या बोलना है? इट इज टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जो हमें क्या सिखाएगी, एक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किस में बच्चे? वॉल्यूम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट में। देखिए, आप सबको मालूम है कि किसी भी कंपनी में अगर वॉल्यूम बदलता है, वॉल्यूम समझते हैं ना, प्रोडक्शन वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट 2 चीजों पे पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स पे। ठीक है, तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग हमें यही सिखाने जा रहा है कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, इसीलिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग को एक और नाम देते हैं, लिख लीजिए, सीवीपी एनालिसिस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी का मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। क्लियर है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो हमें सिखाती है रिलेशनशिप बिटवीन 3 कॉम्पोनेंट, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स। ठीक है जी, तो बेसिकली ये है हमारा चैप्टर जिसका नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ने से पहले हमें इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन को समझना पड़ेगा, तभी हमें यह चैप्टर समझ आ सकता है। क्लियर है? लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, जब भी वी विल टॉक अबाउट कॉस्ट, जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे तो ये कॉस्ट को ब्रेकअप करेगा इन टू पार्ट्स। आप सबको मालूम है कॉस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल होता है और एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है जी। अब मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक क्या बोलती है कि अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इसने एक अजम्पशन लिया है, और वो अजम्पशन क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट विल बी टेकन एज प्रोडक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को ये लोग क्या मानते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, वेयर एज फिक्स्ड कॉस्ट को ये लोग मानते हैं पीरियड कॉस्ट। क्या मतलब है इसका, मैं पूरा मीनिंग समझाऊंगा, सिर्फ आप लिख लीजिए इसको। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में कॉस्ट को ब्रेकअप किया गया दो कॉम्पोनेंट्स के अंदर, पहला कॉम्पोनेंट है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ये कहती है कि जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे, वी हैव टू कॉम्पोनेंट्स, वन इज वेरिएबल, वन इज फिक्स्ड, वेयर वेरिएबल कॉस्ट को हम एक ऑल्टरनेटिव नेम देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या नाम देंगे, पीरियड कॉस्ट। अब बच्चा कहता है सर इसका क्या मतलब है, लिखो। इट मींस अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करेंगे, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, जब भी आपको प्रोडक्ट वैल्यूएशन करना हो, यानी कि स्टॉक वैल्यूएशन करना हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वी विल कंसीडर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ये कहता है कि जब भी स्टॉक वैल्यूएशन की जाएगी एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिडरेशन में लेंगे रादर देन पीरियड कॉस्ट। क्लियर है या नहीं? इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये कहूं कि कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि आई विल बी कंसिडरिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल के देंगे। लिखो जरा, सपोज करो एक कंपनी का एनुअल प्रोडक्शन है 20,000 यूनिट्स, ठीक है जी। एक कंपनी ने एनुअल प्रोड्यूस कितना करा, 20,000 यूनिट्स, और कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट लगाई गई थी 2,00,000 रुपए। कंपनी ने फिक्स कॉस्ट कितनी लगाई थी, 2,00,000 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 10 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 10 रुपए। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, बताओ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट कॉस्ट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। लीजिए, मेरा पहला क्वेश्चन भी बन गया कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में आपसे ये पूछा जाए प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल के दो या फिर स्टॉक वैल्यूएशन करके दो, स्टॉक वैल्यूएशन करके दो, तो आपने ये बताना है कि हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। तो आप मुझे बताएंगे कि एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर वन यूनिट, एक यूनिट स्टॉक वैल्यूएशन कितने की होगी। यस प्लीज, कौन देगा आंसर? पर यूनिट पूछा है मैंने, सिर्फ एक यूनिट वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछी है मैंने, एक यूनिट का। शिवानी, 10 रुपए, वेरी गुड। तो लिख लीजिए वैल्यू ऑफ स्टॉक पर यूनिट विल बी 10 रुपीज। यानी कि आपने फिक्स्ड कॉस्ट कॉम्पोनेंट नहीं लेना, यह मेरी बात आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं अभी इतने जबरदस्त तरीके से आपको एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे कि यही एक तरीका था जिससे आपको वो बड़ा क्वेश्चन समझ आ सकता था। क्लियर है? ठीक है सर, अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लिखो जरा सारे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जरा। सपोज करो कि एक कंपनी ने पूरे साल में प्रोडक्शन करी 20,000, ठीक है, उसने फिक्स्ड कॉस्ट लगाई 2,00,000, उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 10 रुपए, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक एट एंड
बनाई तो 20,000 थी, मान लेते हैं 1,000 यूनिट स्टॉक में पड़ी रह गई, क्लोजिंग स्टॉक में कितनी यूनिट्स पड़ी हुई हैं? 1,000। क्वेश्चन मेरा वही है, बताओ वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगा एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। प्लीज कौन बताएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगा एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक? कम ऑन यार, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। 1,000 यूनिट्स हैं और जब भी हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक तो हमें क्या लेनी होती है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए। तो मेरा आंसर इज 10,000। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट हमें सबको समझ आ गया। यस प्लीज। तो इसका मतलब जब भी हमें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करनी हो या ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन करनी हो एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, वी विल बी कंसिडरिंग ओनली क्या? वेरिएबल कॉस्ट ही कंसिडरेशन में लेंगे। याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडरेशन में नहीं लेना। क्लियर है? ठीक है सर। अब यहां पर ना लिखो जरा, एक और टेक्निक लिखेंगे, जरा एक और टेक्निक लिखना है। लिखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लिखो जरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। याद रखना, आपके इस चैप्टर में, आपके इस चैप्टर में कई बार यह पूछ लिया जाता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो पहले आप लिखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लिखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लिखेंगे, इट इज ऑल्सो अ टेक्निक, यह भी एक टेक्निक है, अकॉर्डिंग टू विच बोथ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट आर प्रोडक्ट कॉस्ट। यानी कि इस टेक्निक को जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट ये दोनों ही क्या कहलाएंगी? प्रोडक्ट कॉस्ट। सर क्या मतलब है इस बात का? कौन बताएगा? लिखो, इट इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते समय क्या हमें वीसी और एफसी दोनों कंपोनेंट को कंसिडरेशन में लेना होगा? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। तो इसका मतलब जब भी आप स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो क्या हमें वीसी भी लेना होगा और हमें एफसी भी लेना होगा, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है जी। ठीक है सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वन क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू। यू नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड यू विल बी कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लिखो जरा सारे। सपोज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए पर यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास 50,000 यूनिट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास कितनी यूनिट्स पड़ी हैं? 50,000। आपको क्या निकालना है? फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक एंड ऑन बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। फटाफट से मुझे निकाल के दे दो जरा आंसर, मैं चेक करूंगा। ठीक है, आई विल चेक ऑन द चैट बॉक्स कि आपका आंसर सही है या गलत है। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक एंड एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। फटाफट से जल्दी जल्दी निकाल के देंगे, जरा जल्दी जल्दी निकाल के देंगे, फिर हम उसके बाद कुछ इंटरप्रिटेशंस लिखेंगे इसके अंदर। कौन बताएगा एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी दो आंसर, फास्ट फास्ट। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं 50 लाख आंसर आएगा। आइए देख लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है बेटा? 50,000।
इनटू में क्या खाली हमें वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, राइट। तो 100 रुपए के हिसाब से लेंगे तो क्या 50 लाख मेरा आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा कौन बताएगा व्हाट विल बी द आंसर अगर हम आंसर निकालेंगे एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो हु विल टेल मी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली अगर मैं आंसर निकालूं तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? कम ऑन सर, 50,000 यूनिट इनटू, अब मुझे बताओ क्या खाली वीसी लेना है या एफसी लेना है? दोनों लेने हैं, दोनों लेने हैं। तो वीसी तो कितना है 100 रुपए, अब एफसी पर यूनिट कितना है कौन बताएगा? वेरी सिंपल, यहां से देखो 20 लाख आपकी टोटल एफसी है, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है 2 लाख, तो बेटा एफसी पर यूनिट अगर मैं निकालने पे आऊं तो क्या 20 लाख डिवाइड बाय 2 लाख क्या 10 रुपए होगा? बिल्कुल सही है। तो आपने क्या करना है, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए ले लेनी है और ये मल्टीप्लाई कर देना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्या 5,50,000 रुपीस आंसर आएगा? ओ सॉरी 55 लाख, सॉरी 55 लाख इज द करेक्ट आंसर। वैभव तेरा आंसर गलत है बेटा, 20 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है, 2 लाख यूनिट्स हैं, तो 20 लाख डिवाइड बाय 2 लाख क्या नंबर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल बी 10 रुपीज, 10 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट इज 100, तो 110 इनटू 50,000 क्या 55 लाख इज माय आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कंक्लूजन बताओ क्या है, कौन बताएगा? देखो मैंने जस्ट 15 मिनट में आपको दो टेक्निक सिखा दी, एक मार्जिनल कॉस्टिंग और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? सर डिफरेंस इज वेरी क्लियर, इन मार्जिनल कॉस्टिंग, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेयर एज वेरिएबल इज टेकन एज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड फिक्स्ड इज टेकन एज पीरियड कॉस्ट, डन। वेयर एज इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हमेशा याद रखना वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो क्या बोथ आर पीरियड कॉस्ट, हेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आई विल बी कंसिडरिंग वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट, क्लियर है? सो माई कंक्लूजन इज, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने बताना है स्टॉक की वैल्यू कहां ज्यादा आएगी, आप में से कौन बता सकता है कहां पर मेरी स्टॉक वैल्यूएशन विल बी हायर, कौन बताएगा? वेदर इट विल बी हायर इन मार्जिनल कॉस्टिंग या इट विल बी हायर इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी, वेरी गुड लिख लीजिए, वेरी गुड लिखो, फ्रॉम अबव इट इज कंक्लूडेड, इट इज कंक्लूडेड दैट, फ्रॉम अबव इट इज कंक्लूडेड दैट इफ फर्म इनकर्स फिक्स्ड कॉस्ट, अगर किसी भी फर्म में फिक्स्ड कॉस्ट है तो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग कम आएगा, किससे? वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं दिस इज क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि हमारे एमसीक्यू पेपर में यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है तो बताइए स्टॉक की वैल्यूएशन मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन किसमें ज्यादा पाई जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये ज्यादा पाई जाएगी, क्लियर है? ठीक है सर, अब मैं आपको बैक टू बैक 4-5 क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है, और वो आंसर किस तरह से देना था विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, क्लियर है? तो लिखना शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिखो जरा। अगर मैं ये कहूं वीसी पर यूनिट 10 रुपए है, एफसी पर यूनिट 5 रुपए है, ठीक है, मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा और वो सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और कई लोगों को ये बहुत ट्रिकी लगते हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो ट्रिकी नहीं है, यू हैव टू मेक अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी है हमें, ठीक है। तो जस्ट 5 मिनट्स के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत इजिली हैंडल कर सकते हो, क्लियर है? ठीक है सर, कहते हैं सपोज करो वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है और फिक्स्ड कॉस्ट 5 रुपए है, ठीक है। अच्छा, कंपनी में
ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1000 यूनिट्स का और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1200 यूनिट का। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1000 यूनिट का, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1200 यूनिट का, राइट। और आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड आउट अंडर विच टेक्निक प्रॉफिट विल बी हायर एंड बाय व्हाट अमाउंट, कौन सी टेक्निक में प्रॉफिट ज्यादा आएगा और वो भी कितने अमाउंट से ज्यादा आएगा। देखो अब 2 मिनट के लिए ना पेन बंद कर देना, ठीक है, पेन बंद कर देना, पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट दूंगा जो आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगा, क्लियर है। पहले समझ लेते हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके इसको समझाता हूं, अगर मैं तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते थे बेटा, ठीक है ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते थे, ठीक है। अब मैं यहां पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल 2 बार बना रहा हूं, यहां पर आप सबको याद है कि हम ओपनिंग स्टॉक लिखते थे और यहां पर हम क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक। देखो मैं रटवाऊंगा कुछ नहीं, ठीक है, पूरा फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और एंड में आपको एक कंक्लूजन दूंगा, अगर आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ ली तो कंक्लूजन आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, क्लियर है, ठीक है सर। अगर मैं ये कहूं कि ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल मैं बना रहा हूं एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग और ये मैं बना रहा हूं एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, अब मुझे बस इतना बता दो, अगर हम एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी लोगे आप बताओ, यहां पर ओपनिंग स्टॉक कितनी यूनिट्स है बेटा, 1000, और मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में क्या हम सिर्फ वीसी कंपोनेंट लेंगे, राइट, तो 1000 × 10 = 10,000, ठीक है, तो यहां पर आएगा 10,000, पहले समझ लेना फिर मैं आपको बड़ा एक सिंपल तरीका बताऊंगा, ठीक है, ठीक है सर। और अगर मैं एज पर क्लोजिंग स्टॉक चलता हूं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालता हूं एज पर मार्जिनल, तो क्या 1200 × 10 कितना होगा, 12,000। तो साफ नजर आ रहा है कि अगर कुछ और ना दिया हो तो क्या हमारा प्रॉफिट 2000 आएगा। मैं बाकी सब चीजों को इग्नोर कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कितना आएगा, 2000। अगर यही चीज हम एज पर क्या निकालते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कैसे निकालते हैं, एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ना, आप में से कौन बताएगा क्या नंबर ऑफ यूनिट 1000 है इनटू, जब मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालूंगा एज पर एब्जॉर्प्शन तो क्या वीसी और एफसी दोनों लूंगा, बिल्कुल, तो 15 रुपए के हिसाब से आप वैल्यूएशन करोगे तो ये कितनी आएगी, 15,000, यहां तक क्लियर। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 1200 यूनिट इनटू 15 करोगे आप, बिल्कुल, तो यहां कितना आएगा, 18,000। क्या मेरा पॉइंट यहां तक समझ आ गया, यस, तो यहां मेरा प्रॉफिट कितना आया, 3,000। तो मेरा क्वेश्चन है, इट इज वेरी मच क्लियरली एविडेंट, क्या हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, बिल्कुल, कितने से, 1000 से। तो आंसर लिखेंगे हायर प्रॉफिट्स इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बाय 1000। पहले आप ये लिख लो, देखो पेपर में एमसीक्यू में आप ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि ये इतना टाइम हम दे ही नहीं सकते 1 मिनट के क्वेश्चन को, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखवा दिया, लेकिन अब इसका मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग सा शॉर्टकट बताऊंगा जो आपको याद रखना है, ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए फटाफट से। तो यहां पे हमें यह तो समझ आ गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, वो भी कितने से, 1000 रुपए से, क्लियर है। अब इसी चीज का मैं आपको देने जा रहा हूं शॉर्टकट, तो लिखो जरा, लिखे शॉर्टकट लिखना सबने, कहते हैं चेंज इन स्टॉक इनटू एफसी पर यूनिट, चेंज इन स्टॉक इनटू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये हमने लिखना है, ठीक है। अगर तो चेंज इन स्टॉक जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू एफसी पर यूनिट, ठीक है जी, चेंज इन स्टॉक का यहां पे मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक इनटू एफसी पर यूनिट, ठीक है सर। अब यहां पर वो क्या कहता है, अगर तो ये पॉजिटिव है बेटा, अगर ये पॉजिटिव है यानी कि चेंज इन स्टॉक अगर पॉजिटिव है
तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी हायर। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी हायर, और कितने से हायर होगा जो इसको सॉल्व करके आएगा, जो भी इसको सॉल्व करके आएगा उतने से हमारा प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हायर होगा। ये ध्यान रखना है आपने। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यस प्लीज, डन। अच्छा, इन केस अगर ये नेगेटिव आएगा, इन केस इफ चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है, अगर चेंज इन स्टॉक क्या आएगा, नेगेटिव, तो आपको यहां पे लिखना है प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी हायर। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा आएगा, कितने से लिखो, जो भी चेंज इन स्टॉक आएगा इनटू एफसी पर यूनिट। सिंपल, वेरी सिंपल। तो अब मैं जितने मर्जी क्वेश्चन आपको करा दूं, आप एक मिनट में उसका आंसर मुझे दे सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए तो मैंने बार बार बोला, दो बार ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बना देना, एक बार एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक बार एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, आपको अपने आप आपके आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करेंगे, यही वाला क्वेश्चन दोबारा करते हैं। अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, पहले तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दो कि कौन सी टेक्निक में प्रॉफिट ज्यादा आएगा और कितने से ज्यादा आएगा, फटाफट से बताओ। अब शॉर्टकट वाला अप्लाई करना, बताओ चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक कितना है सर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 200, क्या ये पॉजिटिव है? राइट। तो मैंने क्या कहा था, जब भी चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव होगा तो क्या प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा आएगा, बिल्कुल सही। अच्छा, कितने से ज्यादा आएगा कौन बताएगा? प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा आएगा, कितने से ज्यादा आएगा बताओ, 200 इंटू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट यानी कि 5 रुपए, क्या 1000 रुपए से ज्यादा आएगा? सो सिंपल। क्या हमने इतना लंबा क्वेश्चन जो किया था अभी, क्या उसमें भी यही निकल कर आया था कि मार्जिनल में प्रॉफिट 2000 था, एब्जॉर्प्शन में 3000 था, एंड इट वॉज वेरी क्लियर कि एब्जॉर्प्शन में ज्यादा आया था, कितने से, 1000 से, और हम यहां से भी डायरेक्ट यही आंसर निकाल पा रहे हैं। क्लियर हो गया या नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने सबने आंसर देना है, मैं नीचे चेक करूंगा कि आपने चैट बॉक्स में आंसर दिया या नहीं दिया, ठीक है? लिखेंगे जरा, और ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा स्कैनर, आपको बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे, और हर बुक में ना इसको करने का एक अलग मेथड दिया हुआ है, बट हमें अलग मेथड से कोई मतलब नहीं है। एवरी टाइम आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और देखना आपका अपने आप जो है ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको ना इतने सारे मेथड, इतने सारे क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, सिर्फ सिंगल फॉर्मूले पे ही आप सारे आंसर दे दोगे, ठीक है? शुरू करते हैं, लिखो। मान लो ओपनिंग स्टॉक निल है और क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट है, ठीक है जी? ओपनिंग निल था और क्लोजिंग 500 यूनिट था, ठीक है सर? वीसी 10 रुपए पर यूनिट था और एफसी 8 रुपए पर यूनिट है। क्वेश्चन आप समझ चुके हो, मेरा क्वेश्चन क्या, जल्दी बताओ कौन सी टेक्निक में प्रॉफिट ज्यादा आएगा और वो भी कितने से ज्यादा आएगा, बताओ। मार्जिनल कॉस्टिंग में ज्यादा आएगा या एब्जॉर्प्शन में, फटाफट से कौन बताएगा किसमें ज्यादा आएगा? सबसे पहले क्या निकालना है आपने, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मुझे बताओ, चेंज इन स्टॉक कितना है बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वेरी गुड। क्लोजिंग कितना है 500, ओपनिंग कितना है निल, क्या चेंज इन स्टॉक 500 यूनिट पॉजिटिव आ गया? राइट। और मैंने क्या कहा था, जब भी ये पॉजिटिव आएगा तो क्या हमेशा याद रखेंगे कि एब्जॉर्प्शन वाला प्रॉफिट विल बी हायर। अब कितने से हायर होगा कौन बताएगा, 500 × 8, 4000 रुपए, बहुत बढ़िया बच्चे, उम्दा। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरह से हमें समझ आ गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिखेंगे जरा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट होता और क्लोजिंग स्टॉक निल होता, वीसी 10 रुपए होता, फिक्स्ड कॉस्ट 8 रुपए होता, बताओ, बताओ बेटा कौन से वाली कॉस्टिंग में आंसर प्रॉफिट का ज्यादा आएगा और वो भी कितने से ज्यादा आएगा?
जल्दी बताओ किसका ज्यादा आएगा, मार्जिनल का ज्यादा आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब आप समझ रहे हो ना कितने सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो गए हो अब आप। किसका ज्यादा आएगा, मार्जिनल का ज्यादा आएगा। वेरी गुड, कैसे पता चला, क्योंकि चेंज इन स्टॉक क्या यहां पर इस बार निल माइनस 500 क्या नेगेटिव में आ रहा है। बिल्कुल सही, माइनस 500 आ रहा है। तो फिर जब चेंज इन स्टॉक अगर माइनस 500 आ रहा है तो इट इज वेरी मच क्लियर कि प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग जो है क्या वो हायर होगा। कितने से हायर होगा, 500 × 8 क्या 4000 से ज्यादा आएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं, जल्दी जल्दी बोल दो फटाफट से। चलो एक लास्ट केस ले लो, एक लास्ट केस ले लो। मान लो ओपनिंग स्टॉक आ गया मेरे पास 500 और क्लोजिंग आ गया मेरे पास 600। वीसी दिया हुआ है 10 रुपए, एफसी दिया हुआ है 8 रुपए। देखो कितना आसान हो गया यार, इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आप देखोगे इतने सारे दिए हुए हैं और बच्चा रटता चला जाता है, ठीक है ना। तो रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार ही नोट बना के फाइनलाइज कर दूंगा। कौन बताएगा बच्चे, इसके अंदर चेंज इन स्टॉक कितना आएगा ये बताओ, नेगेटिव है या पॉजिटिव। चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव है। अब जब जब चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव है तो प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन विल ऑलवेज बी हायर। कितने से हायर होगा, 100 × 8 क्या 800 रुपए से हायर होगा। लो जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने खत्म किया। तो अब लिखिए करक्स। हाँ जी, करक्स लिखना है सबने, करक्स लिखना है। करक्स क्या लिखना है हमने, लिखो जरा। इन कॉस्टिंग वी हैव टू टेक्निक्स, एक मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक होती है और दूसरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक होती है। देखो मैंने कोशिश करी है कि आपको वो टेक्निक ही मैंने सिखा दी है, ठीक है ना। ठीक है सर, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का मानना ये था कि वीसी प्रोडक्ट कॉस्ट है वेयर एज एफसी पीरियड कॉस्ट है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग या ओपनिंग, हम हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडरेशन में लेते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यह मानना था कि वीसी हो या एफसी हो, क्या दोनों के दोनों विल बी टेकन एज प्रोडक्ट कॉस्ट, जिसकी वजह से ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, क्या उसमें वीसी और एफसी दोनों का बर्डन लिया जाता था। यहां तक क्लियर, ठीक है। एंड ड्यू टू विच क्या स्टॉक वैल्यूएशन हमेशा एब्जॉर्प्शन के अंदर ज्यादा आएगा। क्या यहां तक ठीक है, मैंने प्रॉफिट नहीं बोला, मैंने कहा स्टॉक वैल्यूएशन ज्यादा आएगा, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रॉफिट नहीं बोला मैंने, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। रीजन, क्योंकि उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, वीसी के साथ एफसी भी इन्वॉल्व होगा। क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है सर। अब यहां पर जब भी मान लो हमें स्टॉक्स दिए हो और यह पूछा जाए कि बताओ कौन सी टेक्निक में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो उसके लिए मैंने क्या तरीका बताया कि आपको एवरी टाइम क्या निकालना है, चेंज इन स्टॉक। अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो एब्जॉर्प्शन का हायर होगा, अगर वो नेगेटिव हो जाए तो मार्जिनल का हायर होगा। कितने से हायर होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन स्टॉक इंटू एफसी पर यूनिट, चेंज इन स्टॉक इंटू एफसी पर यूनिट। मैंने कुछ रटवाया नहीं है, ठीक है, मैंने पहले आपको प्रूफ दिया था, उसके बाद मैंने वहां से कंक्लूजन को बाहर निकाला है। क्लियर हो गया या नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो लीजिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट फिनिश। चलिए अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट नंबर 2। लिखो जरा मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर अब हम प्रॉपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक तो वैसे मैंने सिर्फ इसके बारे में बताया, लेकिन अब यह चैप्टर स्टार्ट होएगा। लिखो जरा कॉन्सेप्ट 2, प्रॉपरली मार्जिनल कॉस्टिंग अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है सर, देखो जब भी हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपने सेल माइनस कॉस्ट प्रॉफिट नहीं लिखना, यह नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग यह मानता है कि कॉस्ट के दो ब्रेकअप्स होते हैं, वन इज वेरिएबल वन इज फिक्स्ड, तो आप एक साथ माइनस नहीं कर सकते। आप में से कौन बताएगा एक साथ माइनस हम कर सकते हैं, कौन सी वाली टेक्निक में, एब्जॉर्प्शन में। लेकिन जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा तो कौन बताएगा क्या सेल में से माइनस
डायरेक्ट कॉस्ट करोगे या पहले वीसी माइनस होगा, जल्दी बताओ, क्योंकि कॉस्ट मींस टू कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर। तो जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा पहले क्या लिखना है, सेल, उसमें से हमेशा पहले किसको माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना डायरेक्ट टोटल कॉस्ट माइनस नहीं होती इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। शायद आपने ये पहले करा हुआ है लेकिन रीजन अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। क्लियर है? ठीक है। सेल और वीसी का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन। नाम दे दीजिए क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन। फटाफट से मेरे साथ साथ बोलना है, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसको कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं उसका भी मैं आपको रीजन दूंगा। ठीक है। इसमें से माइनस कर देना है आपने फिक्स्ड कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे आप, फिक्स्ड कॉस्ट, और जो हमें डिफरेंस मिलेगा इसको हम नाम देते हैं प्रॉफिट्स। क्या नाम देते हैं बेटा, प्रॉफिट्स। तो आप में से कौन बताएगा, सेल में से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, द डिफरेंस ऑफ दीज टू विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट एंड दैट विल गिव यू प्रॉफिट्स। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। तो अब एक छोटी सी मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा ताकि हमें इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझ आ सके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? ठीक है सर। देखिए सपोज करिए कि मेरे इंस्टीट्यूट में मैं हर बच्चे से फी चार्ज करता हूं 10,000। सपोज करो मैं आपसे 10,000 की फीस चार्ज कर रहा हूं। ठीक है। अब पर बच्चा मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 2,000। पर बच्चा मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 2,000। ठीक है। और मेरे इंस्टीट्यूट की फिक्स्ड कॉस्ट है 2,00,000 रुपए। मेरे इंस्टीट्यूट की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 2,00,000 रुपए। ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे जरा। अगर मैं ये कहूं कि सेल 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 2,000, दोनों का डिफरेंस 8,000 और यहां पे 2,00,000। अब आप मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। जब मेरे इंस्टीट्यूट में पहला स्टूडेंट आएगा, फर्स्ट स्टूडेंट जब मेरे इंस्टीट्यूट में आएगा, सोच के बताना, क्या जैसे ही वो मुझे 10,000 फीस पे करेगा, क्या एक तरह से वो मुझे 8,000 क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है फॉर रिकवरी ऑफ माई फिक्स्ड कॉस्ट। समझ आ गया? इसका मतलब एवरी स्टूडेंट व्हेन एंटर टू माई इंस्टीट्यूट ही गिव्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 8,000 टू रिकवर माई फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन है, पहला स्टूडेंट 8,000, दो बच्चे हो जाएंगे तो 16,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, तीन बच्चे हो जाएंगे तो 24,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। ऐसे करते करते क्या कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब मिलकर मुझे पूरा 2,00,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन दे देंगे तो उसको हम नाम दे देंगे ब्रेक इवन पॉइंट। कम ऑन, क्या नाम दे देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? तो अभी मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, बट मेरा क्वेश्चन है व्हाई डू आई कॉल इट एज कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या समझ आ गया? यस। तो एवरी स्टूडेंट हूज एवर इज एंटरिंग टू माई इंस्टीट्यूट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग रूपीज 8,000 फॉर रिकवरी ऑफ माई फिक्स्ड कॉस्ट। Once that fixed cost will be recovered, क्या वो पूरा का पूरा 8,000 उसके बाद वाले बच्चों का will become my profits. I hope so getting the point. जिनको नहीं समझ आया मैं अभी करा के दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, लिखो जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर थ्री। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री अभी बताऊंगा मैं, जो मैंने अभी बोला था अभी बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, वो अपने आप आएगा। अभी लिखो कॉन्सेप्ट नंबर थ्री। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, PVR, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री का नाम क्या है, PVR, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब बच्चा कहता है सर ये PVR क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होता है, लिख लीजिए। इट इज अ रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप होता है बेटा, किसमें, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स में। कहते हैं किसी भी कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल में जो रिलेशनशिप बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कम ऑन, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसको निकालते कैसे हैं, लिख लीजिए। पीवीआर इज इक्वल टू
कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीवीआर क्या होता है हमारा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नेट सेल्स। और कैलकुलेट कैसे होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई नेट सेल इंटू 100। क्या यहां तक क्लियर है? यस प्लीज। ठीक है सर, आगे लिखेंगे। जरा एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सपोज करो किसी कंपनी की जो सेल्स है वो 20 लाख है, ठीक है, और कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8 लाख है, ठीक है। आपको ये बताना है कि कंपनी का पीवीआर कितना है, बस ये बताना है आपने। व्हाट इज द कंपनीज पीवीआर, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। उम्मीद करता हूं वेरी सिंपल, आप एक मिनट में निकाल सकते हैं। कौन बताएगा कैसे निकालना है? सेल 20, वीसी 8, कॉन्ट्रीब्यूशन 12। PVR is equal to contribution upon net sales into 100. So contribution कितना है बेटा? 12 लाख divide by 20 लाख into 100. क्या ये 60% आ गया? Right. तो profit volume ratio कितना है? 60%. अब बच्चा कहता है सर इसका meaning क्या है? लिखो, इसका meaning लिखो जरा। If PVR is 60%, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन 60% है। आवाज मारो किसका? सेल्स का। कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 60% है। आवाज मारो किसका? सेल का, ठीक है। यानी कि कंपनी जितना भी सेल करेगी क्या उसका 60% कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ क्या मिल जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, किसी भी कंपनी का पीवीआर लो होना चाहिए तब अच्छा होगा या पीवीआर हाई होना चाहिए तब अच्छा होगा, ये बता दो। जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं किसी भी कंपनी का पीवीआर कम अच्छा या पीवीआर हाई अच्छा, ये आंसर दे दीजिए। वेरी गुड। जितना हमारी कंपनी में पीवीआर ज्यादा होगा, याद रखना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, फॉर एनी फर्म PVR should be as high as possible. जितना high हो उतना हमारे लिए good होता है, याद रखना। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी कंपनी के लिए PVR ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? PVR should be high. रीजन मैंने आपको बता दिया, जितना PVR ज्यादा होगा क्या उतना हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। सोच के देखो, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा क्या उतना इजिली आप फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर पाओगे? जितना इजिली आप फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर पाओगे क्या उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? क्या क्लियर है या नहीं? तो आप लिख लीजिए, एक लाइन लिखवा रहा हूं मैं, हायर पीवीआर मीन्स हायर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हायर कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स हाई प्रॉफिट्स, क्योंकि आप जल्दी से प्रॉफिट्स की ओर बढ़ जाएंगे। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर। अब पेपर में एक क्वेश्चन आया, हाउ टू इंप्रूव पीवीआर। अगर किसी कंपनी को अपने पीवीआर को इंप्रूव करना हो, बेटर बनाना हो, बढ़ाना हो, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? आप में से कोई बच्चा आंसर दे सकता हो, पीवीआर कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर मुझे अपनी कंपनी का पीवीआर बढ़ाना है तो आपको मैं यहां से थोड़ा सा हेल्प करता हूं, यहां से देखेंगे जरा। बताओ, मैं एक बच्चे से 10,000 ले रहा हूं और मेरी वेरिएबल कॉस्ट 2,000 है, बताओ मुझे पीवीआर अगर बढ़ाना है तो व्हाट शुड आई डू? एनीबडी, एनीबडी, इंक्रीज सेल, डिक्रीज वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूं यहां पर। देखो, कई बच्चों को ना ये पॉइंट नहीं मालूम है, ठीक है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इंक्रीज सेल नहीं, वेरी गुड रितिका, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंक्रीज सेलिंग प्राइस। याद रखना, पीवीआर बेटर सेल बढ़ने से नहीं होता, पीवीआर बेटर किससे होता है? सेलिंग प्राइस बढ़ने से होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर ये कितना छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, सेल बढ़ती है, सेल के बढ़ने की वजह वॉल्यूम भी हो सकता है, तो पीवीआर को सुधारने के लिए वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती, प्राइस की जरूरत होती है, ध्यान रखना, क्लियर है।
ठीक है, अब जिन बच्चों ने कहा था सेल बढ़ा दो, उनका आंसर सही हो सकता है, लेकिन उसको फिर ऐड करना होगा क्या, सेल बढ़ाओ ड्यू टू सेलिंग प्राइस, ना कि ड्यू टू वॉल्यूम, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, दूसरा यू शुड वर्क ऑन रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? तो अगर कोई पर्सन चाहता है अपने पीवीआर को बढ़ाना, अगर आप चाहते हो कि आपका पीवीआर इंप्रूव हो जाए, तो आपको दो में से कोई एक स्टेप करना पड़ेगा। वन, या तो आप आपका सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, या फिर आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को घटा दो, वीसी पर यूनिट को घटा दो। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? और ये पेपर में आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये पूछता रहता है। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर, तो जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर, नंबर वन, अगर जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू हैव टू एनश्योर कि कॉस्ट को हम स्प्लिट अप करेंगे दो पार्ट में, वन इज वीसी एंड वन इज एफसी। पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वीसी, दैट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे एफसी, दैट विल गिव यू प्रॉफिट्स। क्लियर है? ठीक है सर, फिर हमने पढ़ा पीवीआर। पीवीआर इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें एक रिलेशनशिप दिया गया है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, सॉरी कंट्रीब्यूशन के बीच में, और इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। जितना पीवीआर ज्यादा होगा, याद रखना, उतना कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जितना कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उतना जल्दी क्या मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। राइट, अब क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू इंप्रूव पीवीआर ऑफ एनी कंपनी। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि पीवीआर बढ़ाने के दो रास्ते हैं, या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, या फिर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को गिरा दो। अगर आप दोनों में से कुछ भी करते हो तो डेफिनेटली आपका पीवीआर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आप दोनों कर सकते हो तो सर नथिंग लाइक दैट, क्या पीवीआर एकदम से मैसिवली इंक्रीज हो जाएगा? क्या लॉक कर दे इसको? वेरी गुड, दैट्स गुड। अब लिखेंगे जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फोर। कॉन्सेप्ट नंबर फोर, चौथा कॉन्सेप्ट लिखना है हमें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वैसे तो आपको मालूम ही है, बताओ क्या लिखूंगा इसको मैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा प्रॉफिट जो है दैट इज जीरो। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, कम ऑन, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या सबको समझ आ रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट वेयर वी हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो अब लिखो जरा, अब क्वेश्चन ये है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको जनरल दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको जनरल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, लिखो जरा, पहले नॉर्मल नॉर्मल तरीके से सीखते हैं। मान लेते हैं कि मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपए, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 2000, और मेरी कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है लेट से वो है 8 लाख रुपए। ठीक है, टेक योर टाइम, बहुत इजीली मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ। आपसे मैंने पूछा फाइंड आउट करो ब्रेक इवन पॉइंट, आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था। ठीक है, दो मिनट के लिए पेन डाउन करके जरा सामने देखेंगे। व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले सेलिंग प्राइस माइनस वीसी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस एफसी इज इक्वल टू प्रॉफिट। यही फॉर्मेट है मेरा, कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न नहीं करते बेटे, पहले ऑलवेज अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन, फिर उसके बाद फॉर्मूला क्रिएट करो और फिर फॉर्मूले को लर्न करो, तभी मजा आएगा। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 2,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 8,000, फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख। ठीक है जी, दो मिनट के लिए लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स बी एक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितनी बेची, लेट इट बी एक्स। तो क्या सेल 10,000x हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट 2,000x हो जाएगी, और कंट्रीब्यूशन 8,000x हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां से मुझे प्रॉफिट का एक फंक्शन मिलेगा 8,000x माइनस 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट फंक्शन क्या आएगा, 8,000x माइनस 8 लाख रुपीज। अब मुझसे उसने पूछा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो आप में से कौन बताएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना हो तो हमने क्या पढ़ा था, अ पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो आप प्रॉफिट के बदले में क्या ये फंक्शन को जीरो से इक्वेट कर दोगे? हेलो, एम आई नॉट ऑडिबल? लिखिए जरा, प्रॉफिट के बदले में प्रॉफिट फंक्शन लिखेंगे आप,
that is 8000 x minus 8 lakh is equal to 0. From here we will calculate the value of x, that is 8 lakh divided by 8000. तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 100 यूनिट्स. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब इन ऑर्डर टू गेट ब्रेक इवन पॉइंट, इन ऑर्डर टू गेट ब्रेक इवन पॉइंट, क्या मुझे 100 स्टूडेंट्स चाहिए होंगे टू गेट ब्रेक इवन? मुझे 100 स्टूडेंट्स चाहिए टू गेट ब्रेक इवन. जैसे ही मेरे पास 100 स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो क्या मुझे ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा? क्या मेरा पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है. अब इसी चीज को ना बुक्स में एक फॉर्मूला बना दिया गया. कैसे? उन्होंने कहा कि ध्यान से देखो, ऊपर 8 लाख है यानी कि फिक्स कॉस्ट, नीचे क्या है 8000 यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो इन्होंने बोला ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला दे दिया गया हमें, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो अब आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. एक बार ही जब डिराइव हो जाता है तो आप उसको रट भी सकते हो, लर्न भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो. लेकिन डायरेक्ट रटोगे, डायरेक्ट लर्न करोगे तो वो हमेशा भूल जाओगे अगर आपने डिराइव नहीं किया तो. क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया. तो अब यहाँ पर फाइनली लिख लीजिए, जब भी हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, माई फॉर्मूला विल बी एफ सी डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्या यहाँ तक क्लियर हो गया जी? ठीक है. अब प्रॉब्लम है कि अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता सेल्स में, पहले सुन लीजिए, अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता रुपीस में, लिख लो आप, अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकालना होता, रुपीस में निकालना होता, तो पहले समझेंगे जरा. तो बच्चा कहता है सर कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दूंगा तो क्या ये ब्रेक इवन सेल में आ जाएगा? जल्दी बोलो. अगर ब्रेक इवन को रुपीस में निकालना है तो इनटू क्या कर देना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ठीक है. अब एक बच्चा पता है क्या कहता है मुझे, बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो एफ सी इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कर दूंगा तो क्या ब्रेक इवन रुपीस में आ जाएगा? मैंने कहा. तो बच्चा बोला कि सर एक बात बताओ, ये जो आपने लिखा है ये तो रेसिप्रोकल ऑफ पीवीआर है. मैंने कहा हाँ. तो कहता सर फिर मैं एक काम कर लेता हूं, एफ सी अपॉन पीवीआर कर देता हूं तो क्या तो भी मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा? आंसर इज यस. क्लियर है? तो ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले आपकी किताबों में दिए हुए हैं, आई एम वेरी श्योर इट इज क्लियर नाउ. पहला पॉइंट क्या है बच्चे, ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें रुपीस में निकालना हो तो एफ सी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना हो, सॉरी यूनिट्स में निकालना हो तो ये, और अगर रुपीस में निकालना हो तो डिवाइड बाय पीवीआर. उम्मीद करता हूँ दिस इज ऑल डन नाउ, और मैंने दोनों को आपको डिराइव करा दिया तो आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? सो अब मैं एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं सारी चीजें पूछूंगा. अगर वो क्वेश्चन हमने कर लिया तो ट्रस्ट मी हमारा पीवीआर और ब्रेक इवन ये दोनों हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे. ठीक है, लिखो, लिखिए जरा क्वेश्चन. लिखेंगे, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं बिकॉज इट्स अ रिवीजन क्लास गोइंग ऑन, तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है. ठीक है, तभी मैं थोड़ा सा पेस में हूं. ठीक है, बिकॉज जब पढ़ा हुआ है और हम रिवीजन कर रहे हैं तो आई हैव टू ट्राई माय बेस्ट कि मैं आज इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप कराऊं, तो इसीलिए थोड़ी सी स्पीड है बेटा, तो आपको मेरे को पकड़ना होगा. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे जरा. ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको. सपोज करो फर्स्ट हाफ मंथ या फर्स्ट हाफ ईयर में लिख लीजिए फर्स्ट हाफ ईयर, और यहां पर लिख लीजिए सेकेंड हाफ ईयर. ठीक है जी, पहले हाफ ईयर में कंपनी की सेल थी 10 लाख और कंपनी को प्रॉफिट था 2 लाख का. ठीक है, प्रिज्यूम कर लेते हैं पहले हाफ ईयर में कंपनी की सेल 10 लाख थी और कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 2 लाख, और अगले हाफ ईयर में कंपनी की सेल कितनी थी, 12 लाख, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था लेट से 2,40,000 या 2,50,000. ठीक है, 2 मिनट पहले पेन डाउन करेंगे आप. ये मैंने आपको एक सिचुएशन बना के दे दी है. ठीक है, मैं सिचुएशन रिपीट करूंगा. पहले हाफ ईयर में कंपनी की सेल 10 लाख थी, प्रॉफिट था 2 लाख, अगले हाफ ईयर में कंपनी की सेल 12 लाख थी और प्रॉफिट था 2.5 लाख.
क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड आउट करो एक तो फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, और फाइंड आउट करो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। ठीक है जी, ये तीन क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, मैं खुद कराऊंगा, पहले आपने समझना है इसको। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट नेवर चेंजेस। मैं रिपीट करूंगा, शॉर्टकट मैं आपको एक शॉर्टकट भी दूंगा, लेकिन पहले मैं इंटरप्रिटेशन पूरा इलैबोरेट करके समझा रहा हूं। शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मेरी पहले हाफ ईयर में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट अगर एक्स थी, तो अगले हाफ ईयर में भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, एक्स होगी। ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, दैट फिक्स्ड कॉस्ट इन टू पीरियड विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो पहले पीरियड में भी एक्स, दूसरे पीरियड में भी एक्स, ये मेरा परसेप्शन है। ठीक है सर, मैंने पहले ही बोला मेरे पास इसका शॉर्टकट है, बट मैं शॉर्टकट अभी नहीं दूंगा, पहले मैं इलैबोरेट करके समझाऊंगा, फिर आप उसको लर्न कर लेना, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट दे दूंगा। क्लियर है? ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना आपने। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सेल वीसी कॉन्ट्रीब्यूशन एफसी प्रॉफिट्स, ये मैंने चार्ट बना दिया। ठीक है, यहां 10 लाख, ये 2 लाख, ये एक्स, ये 12, ये एक्स, ये 2.5 लाख। ठीक है जी, जो दिया हुआ था मैंने फॉर्मेट में डाल दिया। ठीक है सर, अब आपने क्या करना है, यहां पर पता लगाना है चेंज, चेंज पता लगाना है। व्हाट इज द चेंज इन दीज टू हाफ इयर्स? तो हु विल टेल मी, इन दीज टू हाफ ईयर माय सेल में चेंज कितना आया? 2 लाख। वेरी गुड। फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज कितना आया? निल। फिक्स्ड कॉस्ट में देयर वाज नो चेंज। प्रॉफिट में कितना चेंज आया? 50,000। वेरी गुड। जो मैं पूछूंगा प्लीज सोच के जवाब दीजिएगा। चेंज इन प्रॉफिट 50,000, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट निल। अगर मैं कहूं आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है आपने, तो कर पाओगे आप? यस बिल्कुल। देखो कैसे, ये 50,000, ये निल, तो डेफिनेटली ये भी 50 होगा, तभी तो 50 में से निल गया 50 आया, तो ये 150,000 होगा। क्या ये समझ आ गया? राइट। अगर मैं कहूं कि मुझे पीवीआर निकालना है, पीवीआर निकालना है, तो क्या चेंज से पीवीआर निकल सकता था? यस। तो पीवीआर का फॉर्मूला आपको मैं एक नया फॉर्मूला दे रहा हूं पीवीआर का, इस तरह के क्वेश्चन के लिए। इस तरह के क्वेश्चन के लिए पीवीआर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पीवीआर का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। अब मुझे बताओ चेंज इन प्रॉफिट कितना है बेटा? 50,000। वेरी गुड। चेंज इन सेल कितना है? 2 लाख इंटू 100। क्या मेरे पास 25% पीवीआर आ गया? तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जब भी दो अलग अलग पीरियड्स का सेल और प्रॉफिट दिया हो तो पीवीआर निकालने का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन चेंज इन सेल्स। और वहां से हमने पीवीआर कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर हो गया है, पीवीआर हमारा निकल आया। लॉक करें इसको। राइट, अब हमें निकालना है एफसी। एफसी निकालना है बेटा, कौन बताएगा? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीवीआर इन एनी वन पीरियड, क्या मैं एक्स निकाल सकता हूं? यस। सर कौन से वाले पीरियड में अप्लाई करूं? भाई किसी में भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले हाफ में ले लो, सेकंड हाफ में ले लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है सर, तो मैं फर्स्ट हाफ में ले लेता हूं। आ जाओ, कैसे लेंगे? देखो, सेल कितनी है? 10 लाख। वीसी कॉन्ट्रीब्यूशन, एफसी प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। ठीक है, ठीक है सर। एफसी कितनी है? एक्स। पीवीआर कितना निकाला हमने? 25%। नाउ हु विल टेल मी माय कंट्रीब्यूशन विल बी 25% किसका? सेल्स का। माय कंट्रीब्यूशन विल बी 25% किसका? सेल्स का। सो आप में से कोई बता सकता हो 25% ऑफ 10 लाख जब मैं निकालूंगा, क्या ये 2.5 लाख रुपए आ जाएगा? बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, क्या यहाँ पे 2.5 लाख रुपए फिक्स कर दो, ये 7.5 हो जाएगा। बस इतना बता दो, इन दोनों का गैप क्या 50,000 रुपये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। फिनिश। सो सिंपल, सो सिंपल। उम्मीद करता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाल ली 50,000। डन।
लॉक कर दो इसको। अभी मैं आपको भी एक क्वेश्चन दूंगा तभी मजा आएगा बेटा, ठीक है? तो हमने दो कॉन्सेप्ट निकाल लिए, एक पीवीआर निकाल लिया और एक हमने फिक्स कॉस्ट निकाल ली, ठीक है सर? अब लिखो तीसरा कॉन्सेप्ट हमसे क्या पूछा गया था, ब्रेक इवन। अरे वो तो बड़ा बच्चों वाला है, बताओ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया था क्या होता है, एफ सी अपॉन पी वी आर। एफ सी कितनी है 50,000, पी वी आर कितना है 0.25। इसको सॉल्व कर दीजिए कितना आएगा, चेक करो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 लाख आएगा। नहीं, नो 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 नो, कौन बताएगा कितना आएगा, 2 लाख। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लीजिए ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, क्लियर है? ठीक है सर, देखो हमने पहले क्या सीखा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर हमने सीखा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीवीआर। फिर हमने सीखा पीवीआर को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, पीवीआर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर हमने सीखा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जहां पर क्या हम स्पेशल फॉर्मूला ऑफ पीवीआर अप्लाई करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्या मैं इसको लॉक कर दूं? डू यू वॉन्ट वन क्वेश्चन टू बी गिवन टू यू? जल्दी जल्दी चार्ट लिखो जरा, इफ यू वॉन्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, अगर समझ आ गया तो इट्स ओके। जल्दी बोलो, शुड आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, कम ऑन, राइट? तो लिखो जरा सारे, एक क्वेश्चन लिखेंगे जरा सारे बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लिखो। सेल्स फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर एंड प्रॉफिट्स, ठीक है जी? लिखो सेल 1 लाख, प्रॉफिट 20,000, सेल 2 लाख, प्रॉफिट 50,000, ठीक है जी? क्वेश्चन खत्म। आपने निकालना है एफ सी, पी वी आर, ब्रेक इवन पॉइंट। जल्दी जल्दी निकालेंगे, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। 1 मिनट में मुझे तीनों आंसर चाहिए। अच्छा वो अब आपको एक्सट्रैक्स लेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ आ गया तो डायरेक्ट पहले पी वी आर निकाल दो बेटा, पहले डायरेक्ट क्या निकाल दो, पी वी आर, फिर क्या निकाल देना एफ सी, दोनों आ जाएंगे, फिर निकाल देना ब्रेक इवन। अगर आंसर आ गया तो जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दीजिए। टेल मी व्हाट इज योर पी वी आर, कम ऑन फास्ट, व्हाट इज योर पी वी आर? बहुत बढ़िया, पी वी आर आपने निकाला है 30%, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। पी वी आर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन चेंज इन सेल्स इन टू 100, चेंज इन प्रॉफिट इज 30,000, चेंज इन सेल इज 1 लाख इन टू 100, दैट इज 30%। हु विल टेल मी व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? जल्दी जल्दी बताना बेटा, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? 10,000, रितिका वेरी गुड, वेबर वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, 10,000, अगम वेरी गुड। कैसे निकला ये जल्दी बताओ, हमने सेल लिया, किसी भी एक पीरियड का सेल ले लिया हमने, सपोज इसी के ऊपर ही हम भर कर देते हैं इसको, सेल ले लिया, माइनस वीसी करेंगे वी विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस एफसी करेंगे वी विल गेट प्रॉफिट। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, एनीबडी? व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन? देखो पीवीआर अगर 30% है तो क्या ये 30,000 होगा, ये 70,000 हो जाएगा, और दोनों का गैप क्या 10,000 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, उम्दा। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज? सो इट्स वेरी सिंपल, एफ सी 10,000 है, 0.3 करेंगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 33,333 रुपये। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल से अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट पूरा समझ आ गया, पी वी आर पूरा समझ आ गया, वेरी गुड। अब लिखेंगे जरा नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्रूव ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये पता है क्वेश्चन ही नहीं समझ आता बच्चों को, बच्चों को ना ये क्वेश्चन ही नहीं पल्ले पड़ता कि व्हाट आई एम आस्किंग एक्चुअली। कौन मुझे बताएगा ब्रेक इवन पॉइंट जितना दूर होगा वो अच्छा होता है या जितनी जल्दी ब्रेक इवन आए वो अच्छा होता है, ये बताओ, कौन बताएगा? ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी का जितना दूर हो वो अच्छा होता है या जितनी जल्दी ब्रेक इवन आएगा वो अच्छा होता है, ये बता दो, कम ऑन शताक्षी, जल्दी 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 आएगा, वेरी गुड। तो मेरा क्वेश्चन है, जब मैं ये लाइन पूछता हूं हाउ टू इंप्रूव ब्रेक इवन पॉइंट, तो मैं क्या चाह रहा हूं आपसे जानना, जल्दी बताओ, मैं क्या चाह रहा हूं आपसे जानना? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितनी दूर चला जाएगा या कितनी जल्दी आएगा, कितनी जल्दी आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब
इम्प्रूवमेंट ऑफ बीईपी का मतलब होता है बीईपी को रिड्यूस करना, यानी कि हम कोशिश करते हैं, हर कंपनी कोशिश करती है कि अपने ब्रेक इवन पॉइंट को रिड्यूस करना, जल्दी लेकर आना, ताकि उसका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाए। क्या मेरा पॉइंट सबको समझ आ रहा है? यस प्लीज। अब आप में से कौन मुझे बता सकता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था एफसी अपॉन पीवीआर? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? एफसी अपॉन पीवीआर। पहले सुन लीजिएगा आराम से, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का फॉर्मूला था एफसी अपॉन पीवीआर। नाउ हु विल टेल मी ब्रेक इवन पॉइंट कम कैसे हो सकता है, जल्दी कैसे आएगा? पहला, या तो एफसी को गिराया जाए, कोशिश करो अपने फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। जब हम अपने फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है सर। दूसरा सर, पीवीआर बढ़ाओ, पीवीआर बढ़ाओ, पीवीआर बढ़ाओ, क्योंकि जितना ज्यादा पीवीआर होगा उतनी जल्दी क्या हम अपने ब्रेक इवन पे आएंगे? वेरी गुड। और पीवीआर कैसे बढ़ाते हैं कौन बताएगा? या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाकर, या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को घटाकर। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्या हमें इन तीनों में से कुछ करना होगा इन ऑर्डर टू गेट बेटर ब्रेक इवन पॉइंट, इन ऑर्डर टू इंप्रूव ब्रेक इवन पॉइंट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस माय ब्रेक इवन पॉइंट? क्या पल्ले पड़ गया या नहीं? तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट स्टेप्स कंपनी शुड बी फॉलो, या व्हाट स्टेप्स कंपनी शुड फॉलो इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स ब्रेक इवन पॉइंट, मीनिंग देयर बाय इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपने आंसर क्या लिखना है? एफसी घटाओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ाओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटाओ, पीवीआर बढ़ाओ। तो दीज आर द वेज वेयर वी कैन इंप्रूव आवर ब्रेक इवन पॉइंट। क्या मैं ये पॉइंट लॉक कर सकता हूं? कैन आई लॉक दिस पॉइंट प्लीज? यस, दैट्स बेटर, दैट्स बेटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। अब आपने लिखना है अगला कॉन्सेप्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वी आर इन कॉन्सेप्ट नंबर 5 राइट नाउ। चार हो गए ना हमारे, ओके। तो जस्ट राइट डाउन कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिखेंगे जरा इस कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है पहले हम इसको समझेंगे, फिर इसको हम निकालते कैसे हैं, फिर हम वो पॉइंट समझेंगे, ठीक है। सो हमें दो चीजें सीखनी है, पहला व्हाट इज MOS एंड हाउ टू कैलकुलेट MOS, क्लियर है? व्हाट इज MOS, हाउ टू कैलकुलेट MOS, ठीक है सर। आइए देखते हैं जरा MOS निकालते कैसे हैं और MOS का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। लिखो जरा, लिखो, इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेस, किसका एक्सेस बेटा? एक्चुअल सेल्स का, ओवर ब्रेक इवन सेल्स। यानी कि जितनी हमारी एक्चुअल सेल्स ज्यादा होती हैं किससे? ब्रेक इवन सेल से, उतना हमारे को ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है। तो हर कंपनी चाहती है कि हम ब्रेक इवन से ऊपर काम करें, ब्रेक इवन से ऊपर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ब्रेक इवन सेल है 10 लाख, मेरी एक्चुअल सेल है 15 लाख, तो मुझे बताओ मैं ब्रेक इवन से कितना ऊपर हूं बेटा? 5 लाख। तो जितना मैं ब्रेक इवन से ऊपर हूं, क्या ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी शो करता है? ये मेरा क्या शो करता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हर कंपनी कोशिश क्या करेगी कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जो गैप है, ये कम होना चाहिए या ये बढ़ना चाहिए? कम ऑन, ये बढ़ना चाहिए। तो एवरी कंपनी वॉन्ट्स दैट दिस सेफ्टी मार्जिन शुड बी इंक्रीज्ड। ये सेफ्टी मार्जिन क्या होना चाहिए? इंक्रीज्ड होना चाहिए, ये हर कंपनी चाहती है, क्लियर है? ठीक है सर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप में से कोई बता सकेगा? हाँ जी, एनीबॉडी, कोई मुझे बताएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमें इसका फॉर्मूला निकालना हो, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ MOS, एनीबॉडी? तो बच्चा कहता है सर वेरी सिंपल,
एमओएस का मतलब होगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। वेरी गुड, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स विल गिव यू एमओएस, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मार्जिन ऑफ सॉरी ब्रेक इवन सेल विल रिप्रेजेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। लेकिन अब यहां से ना हम एक फॉर्मूला और डिराइव करेंगे, बट उसको डिराइव कैसे करेंगे ध्यान से सामने देखना है आपने, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट लिखवा नहीं रहा, मैं आपको डेरिवेशन दे रहा हूं, प्लीज उस डेरिवेशन को आपने सबने समझना है, ठीक है? देखो, मैंने आपको कहा पीवीआर क्या होता है, तो आपने क्या बोला? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100। प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन एक्चुअल सेल इंटू 100 इज पीवीआर, ठीक है? तो फिर यहां से एक्चुअल सेल का फॉर्मूला क्या निकला? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय, एक्चुअल सेल का फॉर्मूला क्या निकलेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवीआर, ठीक है? ठीक है सर। और ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर, यही होता है, ठीक है? मैंने पूछा एमओएस क्या होता है, तो आपने क्या बोला? व्हाट इज एमओएस? तो आपने बोला सर एमओएस का मतलब होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यही बोला आपने, ठीक है? अब एक्चुअल सेल के बदले में आई कैन राइट कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवीआर, बिल्कुल। ब्रेक इवन के बदले में आई कैन राइट एफ सी अपॉन पीवीआर, पीवीआर सेम है, एलसीएम आ जाएगा उसका, ऊपर क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस एफ सी, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, फिनिश। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एमओएस? ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर, लिख लीजिए प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर, लेकिन ये आपको देगा एमओएस इन रुपीस। तो अगर आपको क्वेश्चन में एमओएस इन रुपीस निकालना आ जाता है, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। हाँ जी, सारे बोलेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूँ बेटा? जल्दी बोलेंगे फटाफट से, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। क्या डेरिवेशन समझ आ गई हमें? ठीक है। अब मेरा इसी के साथ एक फॉर्मूला और ऐड कर लीजिए, एक और ऐड कर लीजिए कि इन केस अगर हमें एमओएस निकालना हो इन यूनिट्स, यूनिट्स में, तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपने बहुत बार देखा होगा जब भी आंसर यूनिट्स में निकालना हो तो नीचे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है, और जब भी आंसर रुपीस में निकालना हो तो नीचे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आता है। क्या यहां तक क्लियर हो गया हमें? यस प्लीज। चलिए अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी सिचुएशन दे रहा हूं, आपने मुझे फटाफट से बताना है एमओएस क्या होगा, ठीक है? जरूरी नहीं होता बेटा हर चीज फॉर्मूले से ही पढ़ी जाए, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होती है, ठीक है ना? तो देखो, अगर मैं कहूं ये मेरी टोटल सेल है, ठीक है, ये मेरी टोटल सेल है और इसकी वैल्यू है 20 लाख, ठीक है? इसमें से 15 लाख मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, बताओ मेरा एमओएस कितना होगा? टोटल मेरी 20 लाख है, आउट ऑफ विच 15 लाख की सेल पर मैं कहां पहुंचता हूं? ब्रेक इवन। तो बताओ मैं ब्रेक इवन से कितना ऊपर हूं? तो बच्चा कहता है सर ये आपका एमओएस है जो कि कितना है? 5 लाख। बहुत बढ़िया बच्चे, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा, अगर मैं ये कहूं कि टोटल सेल का 70% इज माई ब्रेक इवन रेशो, तो बताओ फिर मेरा एमओएस रेशो क्या होगा? एमओएस कितना होगा जल्दी बताओ? 30% होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एमओएस कितना होगा? 30%। तो ये ध्यान रखना, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एमओएस इज गिवन इन परसेंटेज, एमओएस किस में गिवन है? परसेंटेज में। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो जब भी एमओएस परसेंटेज में गिवन होता है तो उसका मतलब समझ लेना क्या है कि टोटल सेल का 30% मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, समझ आ रही है? टोटल सेल का 30% विल बी माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो वहां पे अगर टोटल सेल गिवन हो तो क्या उसका 30% करेंगे तो क्या हमें एमओएस वैल्यू मिल जाएगी? क्लियर है? एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, अगर मैं कहूं कि
टोटल यूनिट्स हम 10,000 बेचते हैं, आउट ऑफ विच 6,000 यूनिट जो होती है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है मेरा। तो एमओएस कितनी यूनिट्स पे आएगा, 10 में से 6 पे मुझे ब्रेक इवन आएगा तो एमओएस कितने पे आएगा? तो आंसर क्या लिखना है आपने, 4,000 यूनिट्स पे आएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से ये एमओएस का पॉइंट भी हमें समझ आ गया है। तो उम्मीद करता हूं हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा बच्चे, एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, पीवीआर। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, ब्रेक इवन पॉइंट। चौथा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा अभी, MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और हमने एक टेक्निकल क्वेश्चन भी देखा जहां पर क्या हमें दो अलग अलग पीरियड का क्या सेल और प्रॉफिट अगर गिवन हो तो हाउ टू कैलकुलेट पीवीआर, हाउ टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स। क्या सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत चलिए। तो मेरे ख्याल से जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े ऑल आर क्लियर नाउ, ठीक है। तो गाइज अब हमारा कौन सा टॉपिक बच गया है इस पूरे चैप्टर के अंदर, देखिए ये चैप्टर बहुत लेंदी है आप सबको मालूम होगा, ठीक है। अगर मैं वन गो में सारा आज करा दूंगा ना तो ये आपके ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग दीज क्लासेस कभी भी ये नहीं था कि मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए आऊं और फटाफट से बस बोल के चला जाऊं, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकेंड पार्ट हम लोग अब कल रात को 9 बजे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक कौन से कराऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उसमें हम लोग कुछ डिसीजन मेकिंग सीखेंगे, उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे की फैक्टर, एक हम सीखेंगे मेक और बाय, ठीक है, एक हम सीखेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे कल की क्लास के अंदर, ठीक है। एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू प्रैक्टिस ऑल MCQs, जहां से भी आप कर रहे हो आप करो। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली वो डाउट जो है आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, बेशक से नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसका स्क्रीनशॉट डाल देना, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंसिडरेशन में ले लूँ, ठीक है। अब जाते जाते आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। लिखिए ज़रा, एक क्वेश्चन मैं जाते जाते आपको दे रहा हूँ, आप सब ने वो क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। लिखो ज़रा, क्वेश्चन है मेरा, सपोज अगर सेल दी हुई है 50 लाख रुपए एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दिया हुआ है 30%, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कितना है 30%, फिक्स कॉस्ट दी हुई है 5 लाख रुपए, आपको क्या क्या निकालना है? स्टेप क्वेश्चन नंबर वन में आपको पहले प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालना है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालना है, और फिर आपको MOS निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है जी। तो आई वॉन्ट यू पीपल कि आप ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा एंड वी विल सी कि कितने बच्चों ने सही किया था और कितने बच्चों ने गलत किया था, क्लियर है। चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं आपसे कल रात 9 बजे विद कंटिन्यूएशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, क्लियर है। एंड प्लीज जितना मैंने चैप्टर करा दिया कोशिश करेंगे आपने भी आज उतना चैप्टर वाइंड अप करना है, ठीक है। ठीक है सर, चलो थैंक यू वेरी मच।